अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने दो शातिर लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग सत्यनारायणा नामी एक शख्स से उसका बैग खींचकर फरार हो गए थे और आनन फानन में रेलवे पुलिस ने इनको अपनी हिरासत में लिया। आज मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। मजीद इन्होंने कहा कि जो भी लोग सफर करते हैं वो अनजान लोगों पर भरोसा ना करें और बड़े एहतियात से सफर करें। अगर किसी पर भी कोई शक हो तो फौरन पुलिस को इत्तला दे ताकि ये लोग कोई भी क्राइम करने से पहले सलाखों के पीछे हो जाए। मोहम्मद इमरान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। సార్ సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఇంకేమైనా ఇన్స్టాల్ చేశారు మన చుట్టుముట్టు రైల్వే స్టేషన్ రైల్వే ఇది వచ్చేసి ఖమ్మం జానే వాళ్ళకి మెట్రో ట్రైన్ నికల్కే జైసే ఉత్తరతే వక్త దో లోగ్ ఇంట్రడ్యూస్ హోతే సత్యనారాయణ సే ఆప్కో మదద్ కర్తా హూం బోల్కే హాత్ సే సూట్కేస్ లేలేకే చక్మా దేతే హై। वो कंप्लेनेंट पुलिस वालों उनके पास आकर वो लोगों का डिटेल बताते हैं, थोड़ा क्लू देते हैं, वो क्लू पे हम इन्वेस्टिगेशन करके ये केस को डिटेक्ट करते हैं और इमिडिएट हम 24 आवर्स में अक्यूज को कब्जे में ले लिए और वो लोगों के पास से हम 2 लाख बरामद किए और ये इमिडिएट 24 आवर्स में हमारी पुलिस टीम प्लान करके उसको एग्जीक्यूशन करे है और मुसाफरों से हम ये विनती करते हैं कि अगर कोई नाम मालूम है से लोग भी इंट्रोड्यूस हो गए वो लोगों से बहुत होशियार से रहना है, अपने कीमती चीज वो लोगों को देना नहीं और वो लोगों से मगत अगर मदद भी मांगे तो देख समझ के मदद मांगना है। क्यों मदद दे रहा है, अपन क्यों मांगना है वो पूरा सोच कर अपन कदम उठाना पड़ता है और जो मुसाफिर है वो जब होशियारी से अपना जर्नी सफर करना है। शुक्रिया। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।